ना थके पाओ ना हिम्मत हारी है, जंग आज भी जारी है। मार्केट में आए हैं थोड़ा घूमने, और मेरे को एक वीडियो बनानी है नोवेट शुभम के बारे में भी, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी जब पंजाबी भाई ने जो बोला था उस पर मेरे मतलब वीडियो पे जो कमेंट आए उन पर भी मुझे वीडियो बनानी है। वही है, मैं पार्क देखिए, और ये हमारा तिरंगा, थोड़ा सेकिंग हो रहा है ये मेरा फोन, ये तिरंगा। पार्क का आनंद ले रहे हैं और साथ के साथ में थोड़ा बहुत देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप घूमने आए हैं थोड़ा सा, बस मार्केट में थोड़ा सा घूम रहे थे, साथ के साथ आपको ये भी दिखा दें पार्क। पहले बैंक जाके आए थे तो पीछे दिखा रहा हूँ कि बच्चे देखिए इतना खूबसूरत पार्क बनाया। वही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए भाई। मेरा कैमरा है भाई, पूछो ही मत क्या हाल है, मैं फ्रंट कैमरे से बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं ये तो। बच्चों के लिए मतलब खेल कूद के लिए बनाया हुआ, और शाम के समय तो इतना रस होता है यहाँ पे, आप पूछिए मत कितना रस होता होगा। कम से कम तकरीबन 500 से ज़्यादा मतलब लड़के लड़कियाँ महिलाएं मतलब सब, ये बच्चे अब देखिए खेल रहे हैं। अच्छा तो आप स्कूल गए थे, छुट्टी हो गई तो घूमने आ गए इधर। कहाँ है अपना घर? दूर है, अकेले है, ये आपके फ्रेंड है? अरे क्या बात है, बच्चे अकेले आ रहे हैं घूमने। और देखिए इस टाइम भी मतलब लोग घूम ही रहे हैं इधर, थोड़ा सा मतलब बार बार मतलब ही क्यों बोल रहा हूँ मैं कुछ। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई, ये है हमारा। यहाँ मतलब जब कॉलेज में से लोग या स्कूल से जो भी बंदे आते हैं तो आके यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं, घूमते, जैसे बच्चे अब खेल रहे हैं वैसे ही मतलब यहाँ हर कोई आके बैठता है और घूमता है। बहुत बड़ा पार्क है ये। ये लाइट पूरी शाम को जलती है। कुछ यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भाई फ्रंट कैमरे से आप पूछिए मत कि क्या ख़राब हो गया। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि फ्रंट इसका सही नहीं चल रहा है, और ये है भाई। और ज़्यादा कोई वो सिनेमैटिक सीन तो मैं ले नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही आपको चलते फिरते मैंने कहा चलो आपको ये पार्क भी दिखा दें और थोड़ा सा मार्केट दिखा दें कुछ ये। और भाई अब आए हैं बैंक से, बैंक का काम था। हाँ कुछ कहीं कहीं जगह तो मतलब ये सही दिखा भी रहा है और कहीं कहीं जगह दिखा भी नहीं रहा। देखिए मैं इसका रंग चेंज कर दूंगा, ये देखिए पहले हरा था अब थोड़ा सा ये रेड कलर में हो गया, उसके बाद में बैंगनी कलर में हो जाएगा। छोटा सा काम आ गया, अब कहाँ जा रहे हैं आपको वो भी दिखा देंगे, चलिए मेरे साथ। ये भाई की शॉप है, यहाँ आए हैं पैडीज ले रहे हैं भाई। ये हमारे सबसे बड़े कलाकार है, इनके आप इंस्टाग्राम आईडी देखेंगे तो इनके इंस्टाग्राम आईडी पे पूछो ही मत। ये बच्चों के लिए 20 रुपया इनका हो गया था, बस तो 75 रुपया हो गया, बहुत धन का ठोकर है नहीं। ये कुछ शॉप है देखिए, और मैं बार बार मतलब बोल रहा हूँ तो भाई इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, आदत हो गई है, इसको चेंज करेंगे बहुत जल्दी आदत को। मार्केट भाई हमारा ये फाटक, मुझे पता था ये फाटक हमारा हमेशा ही बंद रहता है भाई। ट्रेनें देखिए भाई ऐसे ही आती है। घर आ गए हैं, और ये तस्वीर देखिए आप। अब जल्दी से पैडीज खा के फिर एक काम और है, वो चलते हैं भाई। घर की लस्सी है,
लस्सी का सेवन किया जाए। डांगर आपने देखे होंगे पशु, वही लस्सी का सेवन किया जाए। छाछ ये लीजिए, दोनों में लस्सी है। अब उठाते हैं और भाई पेटीज और लस्सी का सेवन ही अलग है। खाइए आप भी, खा के मिलते हैं। पेट्रोल पंप पे आ गए हैं डीजल लेने। खेत पूरा क्या नहीं भरवा रहे यार, क्या रेट है डीजल का? रेट क्या है? 91 ये कुछ रेट है डीजल का। रस देखिए, तीन तीन गाड़ियां एक साथ। ये राजेश की पूजा है और संदेश की कोमल है, और फाटक बंद है। फाटक का आपको मैंने बताया था कि क्या हाल है इधर। ये फाटक ऐसे ही बंद रहता है, अभी तक नहीं खुला। क्या करें, आप किसी भी टाइम आके देख लो, फाटक आपको बंद मिलेगा। ट्रेनें आती जाती रहती है हर टाइम, हर आधे एक घंटे में ट्रेनें ही ट्रेनें आ रही है इधर से उधर से। और अब तो और भी हाल है, एक ब्रिज बनेगा, तो इसी चीज़ को लेकर वो आपको दिखाऊंगा। अभी ब्रिज बन रहा है, कुछ ये हाल है। देखिए वो फाटक भी नहीं खुला, और कितनी मतलब भीड़ लगा दी हमारे देश के ये नागरिकों ने। और देखिए भीड़ देखिए आप। ये ब्रिज टेस्टिंग की है, कहीं अगर ब्रिज बनेगा तो कहीं धस तो नहीं जाएगा। तो ये देखिए मिट्टी निकाल के इन्होंने टेस्टिंग की है, और जो फाटक इतना सारा जो मतलब जाम लग रहा है ना, वो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए ब्रिज ये बना रहे हैं। देखिए पूरी लंबी दूर, मतलब फिर वही मतलब लगा दिया कि भीड़ कितनी है। जो काम आए हम वहीं चलेंगे। ये लीजिए कृषि अधिकारी खंड, कृषि अधिकारी आदिपुर कृषि विभाग, यहाँ अपना काम था। ये हमारी कपास मंडी है, देख लीजिए। जिस काम के लिए आया था वो काम हो गया यहाँ पे, लास्ट यही था। और अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक कर, बाय, राम राम।